अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बता रही और आप देख रहे हैं 5 स्टार सोलर लाइट। 4 किलोवाट फ्लोरेस की इंस्टॉलेशन करने के लिए इसमें हम जो है वो जिनको सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं 540 वाट के, जिनकी क्वांटिटी 8 है, ये आप देख सकते हैं जिनको पैनल, जो कि 10 ईयर्स वारंटी के साथ आता है, 25 ईयर लाइनर वारंटी होती है इसकी, जो कि इस वक्त मार्केट में 80 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से बिक रहा है। मौसम आप देख सकते हैं, ये शाम का वक्त है, इस वक्त प्लेटों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो प्लेटें हमारी आ गई हैं, स्ट्रक्चर का सामान आपके सामने है। इसमें हम जो है वो 1x3 का पाइप यूज़ कर रहे हैं, चकोर तोड़ लेंगे यार बस, और ये वेल्डर है हमारे अहमद, पानी के लिए नीचे जाना पड़ेगा, नीचे से लेके आओगे फिर हमारे साथ वेल्डर, फिर प्यास लग जाएगी तुम्हें, नहीं है आप प्लेटें देख रहे हैं, चक्कर लग गया यार आज। तो नाइट में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, काम भी देखिए शुरू हो चुका है कटिंग के बाद, कुछ जॉइंट हमारे लग चुके हैं और जब भी सारे जॉइंट हमारे लग जाएंगे उसके बाद जो है हम सोलर प्लेट जो है इसके ऊपर रखने का काम शुरू करेंगे, और इसके ऊपर स्टॉपर लगा के इसको ग्रिप करेंगे। नाज़रीन स्ट्रक्चर का काम हमारा रख दिए इसके ऊपर कंप्लीट हो चुका है, भी लगा दिए इसके अंदर सिल्वर के, जो हमने आप देख सकते हैं टी और जेड यूज़ किए हैं, जिनसे काफ़ी अच्छी ग्रिप आती है, वाशर भी रख सकते हैं, लेकिन वाशर जो है वो कुछ टाइम बाद इसमें जंग खा जाती है, इसको होल्ड करने के लिए हमने हो जाती है, इस वजह से स्टॉपर लगाए हैं, टी जेड जो है वो सिल्वर के, स्टॉपर जो है वो सिल्वर के होने चाहिए आपके, ठीक है, या कॉपर के होने चाहिए क्योंकि इसमें जंग नहीं आता ना, ये देख सकते हैं आप 12 का जो है वो नट बोल्ट इसमें यूज़ किया गया है, अच्छी क्वालिटी के लगाया करें, वाशल वगैरह रख के इसके ऊपर काम आप करेंगे तो वाशल जो है वो जंग खाकर जो है वो एक टाइम होता है, ये आप देख सकते हैं जिसमें वाशल जो है वो मुड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से ग्रिप कमज़ोर हो जाती है, ग्रिप में जो है हमने लगाई है, तो आप कोशिश करें इनका जो आप फिनिशिंग देख सकते हैं, स्टॉपर जो है अच्छी क्वालिटी का बनवाए, बहुत अच्छे किस्म का स्ट्रक्चर बनवाया है, हमने 8 प्लेट्स का ये लगाया है, स्ट्रक्चर है पैनल, ठीक है वो ये आप देख सकते हैं 8 प्लेट्स के साथ होती है, इसके साथ आंधी आए तूफान आए आपका इतना महंगा पैनल उड़ जाए या डैमेज हो जाए, पर भी हमने सेम उससे बचाने के लिए पैनल जो है वो आपको अच्छा लगाना है, अच्छी क्वालिटी का लगाना है, तो स्ट्रक्चर भी आपको उसके लिए बेहतरीन क्वालिटी का बनवाना चाहिए, ये आप देख सकते हैं जो आपका सालों स्ट्रक्चर, और हो सके तो इसके ऊपर लाजमी आपके वो कलर करवाएं ताकि स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़े आपकी। यहाँ पर आ गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, हमने यहाँ पर यूज़ किया है 100 एम्पीयर मैक्स पीवी चार्जिंग करंट है इसके अंदर, वर्क विद बैटरी के साथ भी वर्क करता है विदाउट बैटरी, प्योर साइन में इन्वर्टर है और वाईफाई भी आप लगा सकते हैं इसमें, वाईफाई राउटर भी है लिथियम बैटरी आप इसमें लगा सकते हैं, और लिथियम बैटरी भी आप इस पर अटैच कर सकते हैं, उसकी भी प्रोग्रामिंग इसमें की गई है, और फ्लोरेसेंस एलईडी इंडिकेटर्स का मतलब है ये एलईडी जो है वो आपको बॉडी के ऊपर जो है वो सेंस करके बताएगा कि क्या आपका चल रहा है, और इसके अंदर एंटी डस्ट भी दी गई है जिससे डस्ट जो है वो काफ़ी कम आती है, इसके अंदर फिल्टर दिए गए हैं, और ये 5th जनरेशन बिल्कुल न्यू मॉडल है फ्लोरेंस का, ये हम अनबॉक्स करते हैं, इसको डब्बे से बाहर निकालते हैं, वो ये मैंने डब्बा निकाल दिया है, ये इन्वर्टर आप देख सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त लुक इन्होंने दिया है बॉडी का, स्मार्ट किस्म का जो है वो लुक दिया है इसको, और फ्लोरेंस का इसके ऊपर लोगो आपको नज़र आएगा सबसे पहले, और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन इसकी, और इनपुट आउटपुट 2 फैन दिए गए हैं, पीवी कनेक्टर इसके अंदर हैं, जॉइंटर जो है इसके अंदर वो बहुत अच्छा इन्वर्टर है, ये कनेक्टर देती है, पीवी कनेक्टर साथ में देते हैं इसके, और इसके साथ ताकि आपको बाहर से परचेज़ नहीं करने पड़े, उसके अलावा डीलर्स के लिए जो है वो ये कूपन मिलता है, कूपन इसके अंदर निकलता है, डीलर्स जो है वो 10 कूपन जमा करके आप भिजवा सकते हैं लाहौर के अंदर, आपको नजर आएगा इसमें इनाम लग सकता है, 7 ईयर वारंटी होती है इसकी, 1 ईयर पार्ट्स वारंटी होती है, हां फ्लोरेंस का वारंटी कार्ड यहां पर नजर आएगा आपको, 2 सर्विस पार्ट्स वारंटी होती है और 5 साल सर्विस वारंटी होती है, तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, तो मेरे एक्सपीरियंस में बड़ा ज़बरदस्त इन्वर्टर है ये, नाज़रीन में जो है वो चीज लगाई है,
ताकि ये नमी से बचा रहे। इसका इन्वर्टर इस्तेमाल किया है और अर्थिंग के लिए भी जो है वो अच्छा रहता है। इसके अलावा बैटरियाँ हम जो इसके अंदर, और बैटरी की बात करें तो बैटरी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फोनिक्स टॉल ट्यूबलर TX 3500 जो कि वन ईयर और इसके जो है वो इसके अंदर एम्पियर आप देख सकते हैं 280 एम्पियर होते हैं इसके, और वन ईयर वारंटी के साथ मार्केट में ये बैटरी मिलती है। अभी हमने जो है वो इसको परचेज़ किया है 56,000 की, तो ये काम देख सकते हैं अभी हम काम जारी है, वायरिंग का काम जारी है इसके अंदर, तो मैं यहाँ वायरिंग कर रहा हूँ, ऊपर जो है वो दूसरा काम जारी है, तो ये वायरिंग में अच्छा खासा हमें टाइम लगेगा इसके अंदर, तो वीडियो को हम थोड़ा सा स्किप कर देंगे इसके लिए, फिर आपसे जो है वो बात करते हैं। हाँ तो नाज़िन, वायरिंग की इनपुट और आउटपुट के लिए हमने यहाँ पे 744 का वायर यूज़ किया है, जो कि बहुत जानदार वायर होता है, पाकिस्तान केबल का सॉफ्टवेयर हमने इसके अंदर यूज़ किया है, तो अच्छी क्वालिटी की केबल आप लगाएं इसके अंदर, जब भी लगाएं तो आप देख सकते हैं ये रेड को जो है हमने वो फेस बनाया है, और ब्लू को जो है वो न्यूट्रल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और इसके अंदर अर्थिंग भी हम करेंगे, येलो वायर अर्थ के लिए हम डालेंगे इसके अंदर। देखिए नाज़रीन, अर्थ के लिए जो है हमने यहाँ पर येलो वायर यूज़ किया है, तो इसकी अर्थिंग भी ज़रूरी है, सिस्टम आप जब भी लगवाएं इसकी लाजमी अर्थिंग करवाएं, इससे काफ़ी सेफ रहता है आपका सेटअप। तो ये अर्थ के लिए हम येलो वायर इसके अंदर डाल रहे हैं। इतने एसी कनेक्शन यहाँ पर हमने कर दिए हैं, ठीक है, और ये अर्थ के लिए हमने येलो वायर दिए, ठीक है, हम बैटरी की तरफ जाएंगे, बैटरी कनेक्शन करेंगे।
अच्छा, तो इसमें जो है वो ये हमने बैटरी ब्रेकर दिया है, शनाइडर 125 बैटरी ब्रेकर है ये, बैटरी ऑन ऑफ करने के लिए ये होता है, ठीक है। और दूसरा जो है हमने इसमें ये सोलर ब्रेकर दिया है, जब सोलर लगेगा तो सोलर इस्तेमाल करने के लिए ये ब्रेकर उठाना है, कभी प्लेटें वगैरह वाश करने में तो ये गिराना होगा बस, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। दूसरा ये इनपुट चार्जिंग ब्रेकर, जो नीचे से इलेक्ट्रिक आ रही है उससे इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर देगा और ये इन्वर्टर आपका यहाँ पोल शो करेगा, ये अभी पोल से चार्ज आ जाएगी, ये चार्जिंग आ गई, ठीक है। ये इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए ये वाला ब्रेकर है, और इन्वर्टर की पावर नीचे भेजने के लिए तो उसके लिए जो है वो ये वाला ब्रेकर हमने दिया है, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ शो करेगा, ये हमने ये ऑन करा तो यहाँ ये वोल्ट आ गए, ये इन्वर्टर की पावर शो करेंगे, दोनों में मीटर और ये इंडिकेटर, ये के इलेक्ट्रिक को शो करेंगे कि इलेक्ट्रिक आ रही है या नहीं आ रही, ये जो है वो इन्वर्टर की पावर नीचे भेजने के लिए ब्रेकर लगाया है, ये के इलेक्ट्रिक से चार्ज करने के लिए, ये सोलर से चार्ज करने के लिए, और सिलेक्टर 1 पे करेंगे तो के इलेक्ट्रिक चलेगी, 2 पे करेंगे तो सोलर, इसको 2 पे ही रखना है हमेशा, जब आपका काम वाम हो जाएगा 2 पे ही रखना है इसको हमेशा, ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट होगा। अब इसकी मैं सेटिंग डाल देता हूँ इन्वर्टर की, तो अभी इन्वर्टर जो है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है, और इसके अंदर जो है वो सेटिंग डालने के लिए हमें लॉन्ग प्रेस करना है, एंटर हमने दबाया, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पूछ रहा है कि आप किस तरीके से इसको चलाना चाह रहे हैं, सोलर यूटिलिटी बैटरी, अभी प्रायोरिटी हुई भी इसकी सोलर यूटिलिटी बैटरी, क्योंकि अभी सोलर हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ यूटिलिटी से इसको चलाएंगे और चार्ज करेंगे, तो हम इसको यूटिलिटी फर्स्ट कर देंगे, यूटीआई पे कर देंगे हम इसको। ये आ गया यूटिलिटी सोलर बैटरी, ये यूटिलिटी पे आ गया हमारा, पहले यूटिलिटी पे चलेगा और चार्ज करेगा, इसके बाद सेटिंग भाई हमारी। अब ये पूछ रहा है इन्वर्टर टाइप क्या चलाना है आपको, अप्लायंसेस करना है या यूपीएस, इसको हम यूपीएस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम यूपीएस पे कर देंगे, यूपीएस पे कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद बैटरी टाइप पूछ रहा है, बैटरी आपने कौन सी लगाई है, तो हमने भाई यहाँ पर लगाई है टॉल ट्यूबलर, जो कि फ्लूइड बैटरी कहलाती है तेज़ाब वाली, तो उसके लिए हम FLD कर देंगे, यानी फ्लूइड, ये हमने फ्लूइड पे कर दिया है इसको, ठीक है। और उसके बाद ये आपसे चार्जिंग पूछ रहा है कि यूटिलिटी से चार्जिंग, के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग आप फास्ट करना चाहते हैं तो इसको बढ़ा दें, नॉर्मल चार्जिंग रखना चाहते हैं तो 30 पे रखें, तो हमें इसको जो है वो क्योंकि सिर्फ यूटिलिटी से ही चार्ज करना है तो इसकी चार्जिंग हम थोड़ा फास्ट करेंगे, इसको हम 60 एम्पीयर पे ले जाएंगे, ताकि बैटरी हमारी जल्दी चार्ज हो, कम पीरियड में जल्दी चार्ज हो जाए बैटरी हमारी। उसके बाद ये पूछेगा आपसे चार्जिंग टाइप, किस तरीके से आप चार्ज करना चाहते हैं, सोलर पे और यूटिलिटी पे चार्ज करना चाहते हैं या दोनों से चार्ज करना चाहते हैं, तो अभी सिर्फ हमारे पास यूटिलिटी है तो हम इसको कट पे कर देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, सोलर एंड यूटिलिटी, सोलर नहीं है तो सोलर जो है वो चार्ज नहीं करेगा, दूसरे पे यूटिलिटी आ जाएगा। और बैटरी कट ऑफ पूछ रहा है ये हमसे, ये बैटरी कट ऑफ कितने पे रखनी है, हाई वोल्ट हमें इसके ऊपर रखने हैं 28 कर देते हैं हम इसको, 28.5 29, तो फुल पे हमने बैटरी रख दी है, और लो कट ऑफ जो है हम 23 से कम करके हम 22 हो जाता है यहाँ पे, 22 कर देते हैं हम, कि लो डीसी कट ऑफ हो गया हमारा, और सेटिंग हमने सेव कर दी इसके अंदर, फ्रोनस ब्लेड सीरीज हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, और बाकायदा इंडिकेटर दिया गया है इन्होंने फ्रोनस वालों ने, अगर ये के इलेक्ट्रिक पे चल रहा है तो ये ब्लू जलेगा, बैटरी पे चल रहा है तो ये ग्रीन जलेगा, और ये सोलर पे चल रहा है तो रेड लाइट हो जाएगी यहाँ पर, तो ये इंडिकेटर भी दिए हैं इन्होंने।